हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीम मुरारी यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना दोस्त गौरव, और आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंडशिप गार्डन। वहां पर जाकर मैं आपको पूरा रूट अपडेट करूंगा, पूरा बताऊंगा वहां के बारे में कि वहां पर क्या फेमस है, क्यों हमें जाना चाहिए। और अभी हम यहाँ हड़पसर से निकलेंगे। हड़पसर से निकलने के बाद मैं आपको पूरा रूट रास्ते में दिखाऊंगा। तो गाइज, हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, और उसके बाद हम देखेंगे हम क्या उसके नियर बाय कोई जगह कवर कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। कम तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं फ्रेंडशिप गार्डन की ओर, और उसके पास एक जगह है पार्वती मंदिर, हम वहां पर भी चलेंगे। आज मैं फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग ट्राई कर रहा हूँ, लाइक पूरा सेटअप मैंने लगा रखा है, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, क्योंकि आज तक पूना में हमने जो भी बनाया गाड़ी बैठ के बनाया है, बट ये पहला है लोग जिसमें हम आपको रोड पर स्कूटी पे बना के दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं फ्रेंडशिप गार्डन में, और अब मैं आपको लेकर चलूंगा और अंदर दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ वैसे है। तो ये एक सिंपल पार्क की तरह, मैं भी आपको कुछ आसपास की जगह दिखाऊंगा यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। आप बाइक पे आ सकते हैं, तो बाइक पार्किंग पे लगा दो। और दूसरा, यहाँ पर कोई फीस नहीं, ऐसा जैसे मैं नेट पे चेक कर रहा था जब, तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई पार्किंग फीस है अराउंड 5 रुपीज़, बट एज ऑफ नाउ यहाँ कोई पार्किंग फीस नहीं है, तो आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें टिकट लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पर कितने की है भैया टिकट? 5 रुपए की। तो यहाँ पर 5 रुपए की टिकट है। अच्छा, लगा है बोर्ड? अच्छा भाई, मैंने देखा नहीं, सॉरी यार। तो इसे 5 रुपए की टिकट है जो दिखी नहीं मेरे को। तो एंट्री भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ओकायामा मंत्री, ओकायामा फ्रेंडशिप मतलब मित्र उद्यान। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है ओकायामा मैत्री उद्यान, मीन्स पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन। तो अभी मैं यहाँ आपको लेके चलूंगा। अभी हमने एंट्री की थी, और एंट्री के बाद ये देखिए हट टाइप यहाँ पर कुछ बना रखा, और अभी मैं आपको यहाँ का मैप दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिए आप। तो दोस्तों, मैंने आज आपको यहाँ जैपनीज फ्रेंडशिप गार्डन के बारे में बताया, और आपको यहाँ का व्यू दिखाया। ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप कभी आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो घूमने के लिए, और अपना यानी ठीक है, हाफ डे के लिए नॉट ए बैड प्लेस, बट आप आए तो प्लीज यहाँ जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों, ये जो जगह है,
ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ के टाइमिंग अराउंड मॉर्निंग 6:30 से लेके दिन में 10:30 बजे तक है, और 10:30, और उसके बाद इवनिंग में 4 to 8:30। यहाँ पर एक माहौल अच्छा है बहुत यार, और लाइक बहुत ही शांत प्लेस है, बैठने की अच्छी सुविधा है, बड़ा साफ सुथरा मेंटेन किया हुआ है। तो आप आ सकते हैं, आइए और यहाँ देखिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पार्वती हिल्स। पार्वती हिल्स ये एक पहाड़ों पर बसा हुआ मंदिर है, और यार रास्ता थोड़ा खराब है। वैसे तो हम स्कूटी से आए हैं, तो स्कूटी से आके रास्ता बहुत खराब था, बट आप अगर ठीक ठाक चला लेते हो तो आप ले जा सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं। तो अभी मैं आपको पूरा अपडेट करता हूँ, चलिए। तो दोस्तों यहाँ से देखिए पीछे का पूरा व्यू दिखता है, पूरा शहर दिखता है। तो लोग यहाँ बैठते हैं आकर, और अभी मैं आपको मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ, और हमने स्कूटी यहाँ लगाई है। तो चलिए दोस्तों आगे मंदिर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ पार्वती मंदिर की ओर। शिव पार्वती जी का यहाँ एक मंदिर है, तो उस मंदिर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर, और उसके बाद हम चलेंगे, देखते हैं कहाँ चलेंगे, हमें भी नहीं पता कहाँ चलेंगे। लागे रहो, आ जाओ। तो दोस्तों आज मैंने आपको दो डेस्टिनेशन कवर कराए, जिसमें हमारा पहला था जैपनीज फ्रेंडशिप पार्क और दूसरा पार्वती हिल्स। मैंने दोनों जगह के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और अपनी पूरी कोशिश करके मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन स्टे सेफ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन गुड बाय फ्रॉम टीम मुरादी। आज कहीं ना जा रहे, आज जूते पहनने, ठीक है? चलो करे रहो करे रहो करे रहो चलो तेरा।